भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राजवली ने राज्य सरकार पर मुसलमानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, राजवली ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर मुसलमानों की कब्रगाहों और मस्जिदों में लूट कसूट करने का आरोप भी लगाया है। मोहम्मद राजवली ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि उन्होंने बीते 4 वर्षों में प्रदेश के मुसलमानों के लिए कौन सा कार्य किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राजवली ने कहा कि सबसे पुराने कांग्रेस पार्टी की सरकार को प्रदेश के मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं रहा है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हैदराबाद के किसी नवाब को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों की कब्रगाहों और मस्जिदों पर लूट घसूट कर रहे हैं और सरकार के जाते ही वह भी प्रदेश को छोड़कर जाने वाले हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में 4 साल से वीरभद्र सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसने हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 0% है। कुछ 4 सालों में एक काम भी बता दें मुसलमानों के लिए, एक हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में वीरभद्र जी ने हैदराबाद से नवाब लेके बैठाया हुआ है, जो कि गैर हिमाचली, इस हिमाचल का सदस्य नहीं है वो। हम बार बार मीडिया में हर चौराहे पे हर जगह इस बात को बता रहे हैं। तो वीरभद्र जी को इतनी 60 साल 100 साल 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसको क्या हिमाचल प्रदेश में एक योग्य मुस्लिम नहीं मिला कि उस वक्फ बोर्ड में बैठाया जाए, जो हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों के कब्रस्तान मस्जिदों को बेच के जल्दी हैदराबाद जाने वाला है। ना के बराबर काम है, एक काम गणा दे वीरभद्र जी पिछले 4 सालों में। मोहम्मद राजवली ने कहा कि प्रदेश में करीब 4.5 लाख मतदाता मुसलमान और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और 35 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों के आधार पर ही प्रत्याशी चुने जाते हैं। वो कह रहे 64 विधानसभाओं में मुस्लिम समाज रहता है, अल्पसंख्यक समाज 64 विधानसभाओं में है और कई 35 विधानसभा हिमाचल प्रदेश में ऐसी है, उनके विधायकों के फैसले मुस्लिम समाज करता है, अल्पसंख्यक वर्ग करता है। जिस तरफ वो लोग जाएंगे उस तरफ का विधायक जीत के विधानसभा में पहुंचेगा। और अगली बार के लिए हमें ऐसा है, जो तमाचा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों को मारा है, हम अगले जो हर गम गली जा रहे हैं मुसलमानों को बता रहे हैं, अगली बार हिमाचल प्रदेश में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, जो 50+ हमारा वो लोगों में हमने बोला है कि 50+ सीटें जीत के हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचाएंगे, उस काम के लिए हम हर गांव गली लगे हुए हैं और हमें पूरा हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम हमारे साथ है और कंधे से कंधा हम लाके खड़ा हुआ है और हमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि हर गांव गली से अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुसलमान और अल्पसंख्यक कांग्रेस सरकार से दुखी हो चुके हैं और आने वाले चुनावों में भाजपा के मिशन 50+ में अपना योगदान देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।